लाहौर में न्यूज वन से खसूसी गुफ्तगु करते हुए ख्वाजा नदीम ने कहा कि T20 कप कराची मुंतकल करने से पहले मेजबान लाहौर का मौकफ सुना जाना बहुत जरूरी था। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हमें पूरा तावन था और यहाँ ये एक टूर्नामेंट ऐसा था जो कि जो इस वक्त लाहौर की जो सूरत हाल थी, इस वक्त डेंगू की वजह से लोग परेशान थे, अपने घरों में बंद होकर बैठे हुए, ये एक ऐसा टूर्नामेंट था जो एक लोगों की ज़िंदगी में दोबारा एक कुछ एक चाम लेके आ सकता था जो कि हमसे इसको छीन लिया गया है। और जहाँ जो मेरे खदशात वही हैं कराची में, यहाँ तो मच्छर के काटने से चंद दिन बुखार के बाद अल्लाह आपको शफा अता कर देते हैं, लेकिन जो वहाँ पे हालात हैं वो गोली के बाद जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि मुश्किल ही बंदा बचता है। ख्वाजा नदीम ने कहा कि पंजाब बड़ा भाई होने के नाते T20 कप में शिरकत तो करेगा, मगर कराची के हालात पर हमारे तहफ्फुज़ात भी मौजूद हैं। जावेद मियांदाद ने जो बयान दिए हैं उनके बिल्कुल इसमें बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने इस रोल को अदा किया। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे जरदारी साहब के साथ, प्रेसिडेंट साहब के साथ, कराची के स्पोर्ट्समैन ज़्यादा वहाँ पे बैठे हुए थे और सब ने एक मुतहरक एक आवाज़ दी कि इसको कराची में होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक यहाँ पे तो सिर्फ हमारी तरफ से एक इजाज़ भट्ट साहब भी गए हुए थे, बाकी तो पंजाब की तरफ से तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, तो हमारी भी कम अज़ कम वहाँ पर बात सुनी जाती।